कनेक्टिंग सो ठीक है, अभी आप सबका अनम्यूट कर देंगे दृष्टिदुम्न प्रभु। हाँ हाँ दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ, लेकिन इन बिटवीन वो अनम्यूट ना ही करे तो बेटर रहेगा, जब आपकी इंस्ट्रक्शंस हो तब म्यूट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अनम्यूट करे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। अच्छा दृष्टिदुम्न प्रभु आप 2 मिनट है ना अभी? यस यस प्रभु जी। हाँ तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये सब लोग का वीडियो बंद ही रहेगा? अच्छा इट इज अप टू देम इफ दे वांट टू, अगर वीडियो ऑन अच्छा करें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे को अपना ही चेहरा सामने दिख रहा है मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि कृपया अपना वीडियो ऑन करें ताकि आप सबका दर्शन और आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर आए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं दृष्टद्युम्न प्रभु श्रीमान दीपक भट्ट जी का बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि वो इसमें बहुत स्किलफुल है अपना जूम मीटिंग में और जनरली मीडिया में, मल्टीमीडिया में। तो उनका बहुत धन्यवाद हूं, उन्होंने मेरे को इसमें मदद किया। और हमारी एक पार्टिसिपेंट है निवेता जी, उन्होंने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया कि ऐसा कुछ भगवद गीता शुरू कीजिए, तो मैंने उसके लिए शुरू किया। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं कोई गुरु हूँ या स्कॉलर हूँ या टीचर हूँ। मैं नॉर्मल, मेरे को मैंने ये भगवद गीता सेशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरा प्रैक्टिस जो है, रीडिंग प्रैक्टिस जो है, बढ़े और मैं भगवद गीता पर ज्यादा फोकस कर पाऊँ। तो और मैं आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आके इस जूम मीटिंग में आकर इस संघ को मजबूत बनाया। और मैं सब आपसे विनती करता हूँ यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये भगवद गीता सेशन जो है ये कृष्णा कॉन्शियस रहे, हम जितना हो सके कृष्ण का स्मरण करें और भगवत गीता जो कि उनका आदेश है अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए, हम इसका पूरा से पूरी तरह से लाभ उठा पाए। धन्यवाद दृष्टद्युम्न प्रभु और सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप सब इसको माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर किसी के बैकग्राउंड में घर में बच्चे का आवाज है या और कुछ आवाज है तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, ये मेरे को थोड़ा इम्पर्सनल सेशन लग रहा है कि सब लोग शांत हैं, सबका वीडियो बंद है और केवल मैं बोलने जा रहा हूं। मेरे को जनरली इसका प्रैक्टिस ऐसी नहीं बात है। है कि मतलब उमन अगर ये हमारा ऑडियो वीडियो बंद रहेगा इससे तो हमें क्लियर आवाज आपकी आएगी। अगर अच्छा, उसके लिए अगर हम रहेंगे, किसी का टीवी चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, इससे ओके। फिर आपकी आवाज अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा अंकल, आप तो कम से कम अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि मैं आपसे बात करूं। आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए चाहिए तो, लेकिन आपका वीडियो चालू कर दीजिए तो कम से कम जो हम एक आदमी अगर सामने ये होगा जो तो हाँ वी कैन जो आई कैन कनेक्ट। ये ठीक है, सिस्टम में ही बंद है आपसे ही, हाँ जी। अच्छा मतलब ऑडियो आपसे बंद है, ना ऑडियो वीडियो नहीं, आप अच्छा वीडियो ऑडियो पीछे से ही बंद है? वीडियो नहीं, ये माता जी ने सब देखिए अपना आपसे ही बंद। वीडियो, माता जी ने देखिए अपना वीडियो चालू किया है। हाँ वीडियो आप सब ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन म्यूट ना करें अंटिल अंटिल कोई क्वेश्चन क्यों ना हो। जब प्रभु वीडियो जी लास्ट का 15-20 मिनट क्वेश्चन सेशन रखेंगे तो उसमें आप हो सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तब तक के लिए प्लीज म्यूट ही रखें आप सब। गया हो गया। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता जो है, भगवद गीता का सागर, इसमें हम पहले तो हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी आचार्यों की। हमारा प्रार्थना, आज का प्रार्थना सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, एक बार वो सिस्टम में सेट हो जाएगा तो फिर सबको प्रैक्टिस हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद सब लोग बोलिए हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज हम आज और कल का सेशन जो है सैटरडे संडे, इसमें हम इंट्रोडक्शन थोड़ा परिचय देंगे कि भगवद गीता क्या है, भगवद गीता को क्यों जानना है, उससे हमारा लाभ क्या है, क्या हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, ये सब चीजों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता जो शब्द है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता श्री मतलब राधा रानी, मद मतलब मर्सी कृपा, और भगवद गीता का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो भगवद मतलब भगवान और गीता मतलब गीत। हम सब दुनिया में नाना प्रकार के गीत सुनते रहते हैं, लेकिन भगवद गीता की इतनी अहमियत क्यों है, क्योंकि भगवद गीता भगवान का गीत है, द सॉन्ग ऑफ गॉड। सबसे अनिवार्य बात यहां पे ये आती है कि ये भगवान का गीत है, लेकिन भगवान कौन है। यदि हम मैक्सिमम ज्यादातर जितने भी भगवद गीता पर टिप्पणियां लिखी गई हैं उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि भगवान कौन है। जैसे मेरे को याद है जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था बॉम्बे में 2002 में, तो मैंने एक भगवद गीता साथ में उठाई थी, क्योंकि हमारे घर का ऐसा संस्कार था, तो हमारे पिताजी भी भक्ति मार्ग पर थे, तो उन्होंने हमें भगवद गीता पढ़ने की प्रेरणा दी, तो हम एक भगवद गीता लेके गए थे स्वामी चिद्भानंद। तो वो भगवद गीता जब हम पढ़ने लगे तो बहुत से उसमें थोड़ा जो अंग्रेजी था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और समझने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत से ऐसी भगवद गीताओं की टिप्पणियां हैं कि जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसमें स्पष्ट तर ये नहीं दिया गया है कि भगवद गीता का मकसद क्या है, भगवद गीता का हमारे जीवन से क्या लेना देना है, हाउ कैन वी कनेक्ट टू भगवद गीता, है ना। ये तो भगवान ने अर्जुन को बताया है, लेकिन ये केवल अर्जुन के लिए भी है या इसमें हमारे साथ भी कुछ लेना देना है।
तो वो बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए भगवद गीता समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भगवद गीता के जो ऑथर हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उनका थोड़ा परिचय देते हैं। यदि आप लोगों से पूछेंगे तो लोग अलग अलग टिप्पणी देंगे, कमेंट्री देंगे, कि कुछ लोग कहेंगे कृष्णा इज अ गुड पॉलिटिशियन, वो एक अच्छे नेता है। कृष्णा इज अ गुड स्कॉलर, वो काफी बुद्धिमान है। कृष्णा इज अ कौहर्ड बॉय, वो एक कौहर्ड बॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्वाला। ग्वाला, जय हो, ग्वाला है। तो सब लोग अलग अलग से उनको उनको पहचानेंगे, है ना। तो जैसे ब्रज में हम जाएंगे तो ब्रजवासी जो है वो तो सब कृष्ण को कहते हैं कन्हैया है, ये हमारा मित्र है। कृष्ण को बहुत उनका कृष्ण के साथ बहुत अपनापन है, है ना। लेकिन द्वारका में अगर जाएंगे तो भगवान का अलग ही वहां पे रूप है। वहां पे वो द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश वो राजा के जैसे हैं। तो अलग 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 स्थान और अलग अलग व्यक्ति कृष्ण को अलग अलग तरीके से पहचान रहा है। लेकिन सबसे अनिवार्य है कि शास्त्र हमें क्या बताते हैं, आचार्य हमें क्या बताते हैं। क्योंकि जब हमको कोई, मान लीजिए भौतिक ज्ञान में हमको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, सपोज हमको फिजिक्स में PhD करना है, तो हम किसी भी नॉर्मल किसी भी दुकानदार के पास जाके या किसी भी मार्केट में जाके किसी व्यक्ति से सीखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो हमको जानना है कि ये कौन सा, वो किसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसकी मान्यता है सरकार के प्रति, सरकार की तरफ से जिसकी मान्यता है कि ये यूनिवर्सिटी में आप फलाना डिग्री कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण को अलग अलग लोग अपने अलग अलग अपने मूड के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार उनको पहचान रहे हैं या उनके साथ अपना संबंध बना रहे हैं, है ना। लेकिन हमको जानना है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो कृष्ण को कैसे समझ रहे हैं, हाउ आर दे अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, वॉट इज देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर कृष्णा, और जो शास्त्र है उनका कृष्ण के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनका कृष्ण के लिए क्या मत है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत है, है ना। ईश्वर हमारे घर में भी जो है, हम किसी लेवल तक ईश्वर हैं, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे जो हमारा बॉस है वो हमारे ईश्वर बन जाते हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं, और उनके बॉस जो है वो उनके ईश्वर हैं। तो इसी प्रकार एक ब्रह्मांड में सबसे बड़े ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी, वो परम पिता है, उन्होंने सबको बनाया है, ही इज द क्रिएटर। क्रिएशन का जो सेवा है, क्रिएशन का जिम्मेवारी ब्रह्मा जी का है। तो ये वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व में आता है। ब्रह्मा जी एक्चुअली तीन तत्व होते हैं, जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व, जो कि हम फ्यूचर में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब उसका उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। तो जीव तत्व हम हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जीव तत्व में आता है। और जीव तत्व जो है, मेरे दादाजी गाया करते थे, वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के भगवद गीता पढ़ते थे और बोलते थे मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर और तू नारायण है, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो नारायण में और जो जो विष्णु तत्व है, चाहे वो कृष्ण है या राम है या विष्णु है या नरसिंह देव है, उनमें और हम में क्या अंतर है? हम माया के अंडर है, हम भौतिक प्रकृति के अंडर है, उन नियमों में, उन नियमों, वो उनके नियम, प्रकृति के नियम हम पर लागू होते हैं। लेकिन जो भगवान है उन पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। तो ब्रह्मा जी का मैं परिचय दे रहा था। तो ब्रह्मा जी जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति
अगर कोई जीव तत्व 100 जन्म तक कंटिन्यूअसली 100 जन्म तक वर्णाश्रम का पूरी तरह से पालन कर पाएगा तो उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल सकता है. बिकॉज ब्रह्मा जी इज नॉट ए पर्सन, ब्रह्मा जी इज अ पोस्ट. जैसे एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण ने तो ब्रह्मा जी हमारे उनसे उनसे मिलने गए भगवान से. तो द्वारपाल को बोला कि हमको मिलना है द्वारकाधीश से. तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि ये ब्रह्मा जी, कोई ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं. अच्छा, तो भगवान ने उनको पूछा कि उनको पूछो कि तुम आप कौन से ब्रह्मा जी हैं. बोले अरे कौन से ब्रह्मा जी, मतलब क्या मैं ब्रह्मा जी इस संसार का रचेता, चतुष कुमारों का पिता. तो फिर भगवान ने मैसेंजर को बोला अच्छा अच्छा चतुष कुमारों का पिता, ठीक है उनको लेके आइए. तो जैसे वो आए, कुछ ही पलों में हजारों 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 ब्रह्मा जी अलग अलग नाना प्रकार के और अपने अपने वाहन पे आके उन्होंने द्वारका में लैंड किया. आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम कश्मीरी है तो मैं बीच में कश्मीरी भी बोल सकता हूं. तो किसी के हमारे ब्रह्मा जी के 4 सर थे, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड है उसका 4 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड और टाइम, ये 4 डायमेंशन है. इसलिए हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 सर हैं. और कुछ एक ब्रह्मा जी वैसे बैठे थे जिनके 16 सर थे, एक ब्रह्मा जी वैसे बैठे थे जिनके 64 सर थे, एक ब्रह्मा जी वैसे बैठे थे जिनके 128 सर थे. तो ऐसे अलग अलग सिरों जो 2^3, 2^5, 2^10 ऐसे ही 2^ उनके सर थे. तो उससे पता चलता है कि उनके ब्रह्मांड का क्या डायमेंशन है. तो जब हमारे ब्रह्मा जी ने, जो कि चतुष कुमारों के पिता हैं, जिनके 4 सर हैं, उन्होंने जब इतने सारे ब्रह्मा देखे और इतने विशाल काय उनके मस्तिष्क देखे तो बहुत विनम्र बन गए, है ना. तो ऐसा कहा जाता है ना, ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे. तो उनको विनम्रता की भावना हुई कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न कश्मीरी फ्रॉम आनंद तीर्थ, थैंक यू. बीच में कोई कश्मीरी का स्टेटमेंट आ गया तो पूरा कश्मीरी नहीं बोलूंगा, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग. तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो हमसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं यहाँ पे, तो वो विनम्र हो गए. तो ये ब्रह्मा जी जो है, ये ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर वन पर्टिकुलर यूनिवर्स. तो 100 जन्म के बाद, 100 जन्मों में वर्णाश्रम का पालन करने के बाद कोई ब्रह्मा जी बनते हैं. और कल ही मैं सुन रहा था कि ये जीव तत्व हो गया, हु इज ऑलवेज अंडर माया. ऑलवेज मतलब जब मटेरियल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो फिर वो माया के परे हो जाता है. लेकिन वहां भी भगवान, वो भगवान नहीं बन सकता है. उसका रूप भगवान जैसा होता है लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता है. व्हाट इज दैट श्लोका, एको बहुनाम नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान. मतलब देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ जीवात्मास बट देर इज वन गॉड हु इज नारायण और हु इज कृष्णा. अनगिनत जीवात्माएं हैं लेकिन भगवान एक है. और जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है. भगवान जीव के रूप में आ सकते हैं लीला करने के लिए, लेकिन जीवात्मा कभी भी भगवान का पोजीशन नहीं ले सकता है. जीवात्मा हमेशा सबॉर्डिनेट है. मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. तो हाँ, तो मैं ये सुन रहा था कि देखिए विष्णु तत्व अलग है. विष्णु तत्व इज भगवान, चाहे वो राम है, नरसिंह देव है, कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. और जीव तत्व है हमेशा सबॉर्डिनेट है जीव से लेकर. शिव तत्व जो है, ही इज बिटवीन विष्णु तत्व एंड जीव तत्व. शिव जी जो है, एक सेंस में वो भगवान के गुण अवतार है.
जैसे ब्रह्मा जी भी भगवान के गुण अवतार कहा जाता है, शिव जी भी भगवान के गुण अवतार हैं तमोगुण में, ब्रह्मा जी रजोगुण में और विष्णु जो है वो सतोगुण में है। लेकिन जो ये रुद्र है जो हर ब्रह्मांड में शिव जी होते हैं, ही इज ए जीव तत्व। और अगर कोई ब्रह्मा ने 100 साल तक, ब्रह्मा जी के 100 साल, अगर ब्रह्मा जी ने 100 साल तक 100 times ब्रह्मा जी वो बन गया, सफल रहे, तो ही कैन बिकम रुद्र। तो रुद्र से ज्यादा एक जीवात्मा एलिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। अरे ईश्वर बहुत है, हमारे घर का ईश्वर है, ऑफिस का, ऑफिस में ईश्वर है, फिर एक स्टेट में ईश्वर है, फिर एक कंट्री का ईश्वर है, फिर पूरा देश, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो हमारा धरती है उसका है ईश्वर। यूनाइटेड नेशंस बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज हैं वहां पे जो पूरे धरती के बारे में डिसीजंस लेते हैं, कैसे हमको वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, कैसे हमको इको फ्रेंडली रहना चाहिए, कैसे हमको धरती को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे हमको पेट्रोलियम पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो एक पूरा ब्रह्मांड है उसका ईश्वर ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है, सत चित आनंद विग्रह। उनका शरीर कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, बट कृष्ण का शरीर कैसा है, सत चित और आनंद, नॉलेज ब्लिस एंड इटर्निटी। ये भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आपका कोई आदि नहीं है, भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान की शुरुआत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है तो वो भगवान कहां से आए, भगवान का जन्म कहां से हुआ। अगर भगवान को किसी ने जन्म दिया तो वो भगवान नहीं रहते हैं, जिसने जन्म दिया वो भगवान हो जाते। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है जी? समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है जी? नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक, तो भगवान का डेफिनेशन, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। थैंक यू, धन्यवाद। तो कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये ब्रह्मा जी का डेफिनेशन है, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, ये ब्रह्मा जी का डेफिनेशन है। बाकी जो बड़े बड़े असीत, देवल, कपिल, व्यास, ये जो सब बड़े बड़े मुनि हैं, उन्होंने भी कृष्ण को एस्टेब्लिश किया है दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें से एक और हम डिस्कस करेंगे, पराशर मुनि का डेफिनेशन। पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भग इति ज्ञाना। आप लोग मेरे साथ साथ में बोलिए, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य समग्रस्य वीर्यस्य पराशर मुनि कह रहे हैं श्लोक में कि देखिए, जिसके पास विद्या है उसको क्या बोलते हैं, विद्यावान, विद्यावान, वेरी गुड। जिसके पास ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानवान। अच्छा सॉरी, वो एक ही चीज हो गया। जिसके पास बल है उसको क्या बोलते हैं, बलवान, बलवान। जिसके पास गुण है उसको क्या बोलते हैं, गुणवान। हाँ, और जिसके पास सारे गुण है उसको क्या बोलते हैं, भगवान। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न भगवान। तो भगवान में षड ऐश्वर्य है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कैसे फेमस होता है, हाउ डज ए पर्सन बिकम फेमस, आप एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग बताइए वन बाय वन। कोई स्पेशल गुण जिनमें होगा, स्पेशल ज्ञान होगा, नहीं, मतलब? नहीं, एक एक बताइए, वन कैरेक्टरिस्टिक्स,
एक क्वालिटी जो बहुत ज्ञानवान होगा, बहुत ज्ञानवान होगा, वो जो बहुत ज्ञानवान होता है उसकी बहुत प्रशंसा होती है, उसकी बहुत सम्मान होता है। और आज से 500 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जैसे अभी कलयुग का डिग्रेडेशन की वजह से जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, चाहे उसके पास क्वालिटीज बिल्कुल ना हो, लेकिन उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। बट आज से 500 साल पहले, मे बी 100-100 साल पहले भी जो ज्ञान है, ज्ञान को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, है ना। तो जिसको जिसके पास ज्ञान है उसको नेचुरली सम्मान दिया जाता है, जो जो ज्यादा ज्ञानी होता है। और एक और गुण बताइए, और कोई बताइए। जो शुद्ध भक्त हो। हाँ जी, जो शुद्ध भक्त हो। ये त्याग, की माता जी आंसर दे रहे हैं कि सब लोग अलग एक एक दे रहे हैं। त्याग, वेरी गुड। हाँ, त्याग बहुत बड़ा गुण है। डिटैचमेंट, डिटैच होना बहुत बड़ा गुण है। त्याग, वैराग्य जिसको बोलते हैं। वेरी गुड, दो गुण आ गए हमारे पास, ज्ञान और त्याग। तीसरा, सबसे वीर्यवान। वीर्यवान, वीर्यवान, वीर्यवान मतलब आप ही ने संस्कृत में बोला उसकी मीनिंग। वीर्यवान मतलब आई थिंक पावरफुल, बलशाली, है ना जी। फिजिकल स्ट्रेंथ, हाँ जी। किसी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ होता है तो वो बहुत फेमस हो जाता है। जैसे मोहम्मद अली, उसका उनका एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद अली जो था वो सबसे शक्तिशाली खतरनाक जो है बॉक्सर था, ठीक है। और वो इतना उसको कॉन्फिडेंस था, उसने एक दिन बोला कि आई एम द बेस्ट, मतलब उसको कोई हरा ही नहीं सकता था, इतना पावरफुल, इतने लोगों के उसने इतने जो है चेहरा तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उनको एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया। उस बीमारी का नाम है पार्किंसंस। और पार्किंसन इतना खतरनाक बीमारी है कि वो अपना पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठा पाते थे। तो इससे क्या हो गया, एमिक मतलब क्या हो गो? तो ये करियो मारा बी एल रैना जी, तो ये करियो गणने पानुन अनम्यूट, तुम आवाज से नहीं तो शो यसन क्या था मानुन, मगर तो शो म्यूट, आपको म्यूट करना, अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर आप बोलिए। नहीं हो रहा है, आप घर में किसी की मदद लीजिए और अनम्यूट कीजिए। अपना गमंड, अपना गुण का गमंड नहीं होना चाहिए। अपने गुण का गमंड, हाँ गमंड, अपने गुण का गमंड नहीं होना चाहिए। ये हमको यहां से लेसन मिलता है बिल्कुल। और यहां से हम एक और चीज सीखते हैं कि इस भौतिक संसार का जो भी गुण है वो कुछ समय तक लिमिटेड है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं एक आपको क्वालिटी बताता हूँ, ब्यूटी, है कि नहीं। सपोज अभी कोई मिस यूनिवर्स है, ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद क्या वो मिस यूनिवर्स होगी? नहीं, चेंजेस होगी, नहीं होगी, बिकॉज हर फेस विल चेंज, उनका चेहरा जो है वो बदल जाएगा, तो वो मिस यूनिवर्स नहीं रहेगी। तो मिस यूनिवर्स जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस संसार का गुण लिमिटेड है, ये भी हम सीखते हैं यहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज हो गई बताइए। पहला है सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाँ, सबसे ज्ञानवान, सबसे ज्ञानवान हो गया। दो, सबसे बड़ा वैरागी, सबसे वैरागी, त्यागी, त्यागी, हाँ, सबसे सुंदर, हाँ, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, और सबसे, हाँ जी, धनवान, धनवान। मेरे को दो तीन लोगों से आवाज आ रही है, धनवान, हाँ धनवान, वेरी गुड, धनवान भी है। देखिए पेशेंस, हाँ सॉरी, पेशेंस, हाँ पेशेंस भी एक क्वालिटी है बिल्कुल। लेकिन ये जो छह है ना, छह षड ऐश्वर्य, ये सबसे मेजर क्वालिटीज है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस दुनिया में क्या है, कोई सबसे ब्यूटीफुल है?
लेकिन जरूरी नहीं है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, है ना जी। अभी हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ऐश्वर्या राय है, सबसे ब्यूटीफुल है ना, लेकिन जब वो इनके साथ अगर वो उनको ये चेस का गेम, चेस का कौन है चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, हाँ जी आजकल सुना है ना कार्लसन। अच्छा ठीक है, कार्लसन जी को अगर ऐश्वर्या के, ऐश्वर्या राय के साथ रख दिया जाएगा, वो चेस खेलेंगे तो कौन जीतेगा? कार्लसन। कार्लसन जीतेगा। सो दिस मींस ऐश्वर्या राय के पास ब्यूटी है लेकिन उतना इंटेलेक्ट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, है कि नहीं जी। तो दूसरा एग्जांपल देंगे, अभी सबसे धनवान है अंबानी, मुकेश अंबानी सबसे नंबर वन इंडिया में सबसे धनवान है ना, तो अगर उनको बोलेंगे दारा सिंह के साथ आप कुश्ती करो, कौन जीतेगा? दारा सिंह। किसी ने बोला मुकेश अंबानी? दारा सिंह ही जीतेगा। दारा सिंह ही जीतेंगे, पक्का ना जी? हाँ। अच्छा ठीक है, तो दारा सिंह ही जीतेंगे, तो मतलब मुकेश अंबानी के पास धन है लेकिन बाकी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी का धन जो है क्या वो परमानेंट है? नहीं नहीं है, अगले 50 साल के बाद और कोई धनी होगा, जैसे धीरू भाई अंबानी थे है ना, वो सबसे ज्यादा धनी थे, लेकिन अभी धीरूभाई अंबानी का तो नाम ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार का जो भी गुण है वो एक तो टेम्परेरी है और लिमिटेड है ना। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, लिमिटेड कैसे? देखिए जैसे ऐश्वर्या राय है उनकी ब्यूटी लिमिटेड है, क्यों? सपोज वो हमारे यहाँ पे आपका आपके घर की गली में आ जाती है तो सब लोग आकर्षित होंगे, है ना, होंगे कि नहीं जी। और आप लोग जाए, कुछ लोग जाके ऑटोग्राफ भी लेंगे उनसे, करेक्ट? ठीक है, करेक्ट। लेकिन जो उस गली में कुत्ते होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, वो उनके पास जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्या राय का जो ब्यूटी है वो मनुष्य तक ही सीमित है। आप देखिए कितना लिमिटेशन है ब्यूटी में, एक तो 20-25 साल के बाद ऐश्वर्या राय विल नॉट बी मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, है ना, एक तो टाइम का परमानेंट नहीं है, और दूसरा उनकी जो ब्यूटी है वो मनुष्य तक ही सीमित है 84 लाख योनियों में से, बाकी योनियों में जो है नहीं। सीमित नहीं है। अभी हम लेंगे भगवान को, कृष्णा। कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटीफुल, कैसे? ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब कृष्णा वृंदावन में थे तो केवल गोपियां उनसे आकर्षित नहीं होती थी, या केवल सखा, उनके सखा उनसे आकर्षित नहीं होते थे, बल्कि भाई भी उनसे, जो गैया है वो भी आकर्षित होती थी, बछड़े भी आकर्षित होते थे, है ना, जो एल्डरली गोप और गोपियां हैं वो भी आकर्षित होते थे, जो मोर है, हिरन है, वो भी आकर्षित होते थे। एक भागवत में एक बहुत सुंदर टॉपिक आता है, कृष्णा फ्लूट पास टाइम, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सब कैसा वातावरण वृंदावन में होता है, वो हम कभी भविष्य में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब तो केवल मनुष्य और पशु ही नहीं, जब भगवान बलराम जी के साथ और अपने सखाओं के साथ वृंदावन में घूमते हैं, वृंदावन की कुंज में, तो जो वृक्ष है वो भी अपनी लताओं को झुकाते हैं ताकि कृष्ण उनको स्पर्श करे या कृष्ण उनके फलों का आनंद ले। So that is all attractive, that is most beautiful. समझा कि नहीं ये पॉइंट? जी। तो कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटिफुल, ये पॉइंट हम समझ गए, है ना। अब हम देखेंगे कृष्णा सबसे ज्यादा बलशाली कैसे है, ये तो आप सब जानते हैं,
इतने सारे राक्षसों को बचपन में ही मारा, इतने सारे राक्षसों को बचपन में मारा, गोवर्धन को बताया। हाँ वेरी गुड, गोवर्धन ने। किसने आंसर दिया गोवर्धन का? मैंने, सबने। मैंने मतलब आपका नाम तो है, आपको डॉली 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 माता। हम डॉली माता जी के लिए तीन बार हरी बोल करेंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो गोवर्धन उठाने पर, गोवर्धन उठाने पर कृष्ण को सबसे ज्यादा बलशाली कहा गया है ना। बोतल दे पानी। अभी अगर कोई आजकल कलयुग में वैसे भी साधु हैं जिनको तथा कथित साधु कहते हैं, सो कॉल्ड साधु, वो कहते हैं कि हम तपस्या से हम भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से साधु हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलिए कि अच्छा, कृष्ण ने गोवर्धन कितनी उम्र में उठाया था, एट व्हाट एज? 5 साल की उम्र में। 5 साल सही है? 7 साल। किसने आंसर दिया? भारती। अच्छा भारती जी, ओके। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लास में है ही नहीं। नहीं नहीं, वो छोटी तंग कर रही है ना थोड़ा। ओके ओके, नहीं नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि वही क्लास में है। मैं पहली बार ये जूम मीटिंग पे क्लास दे रहा हूँ ना, इसीलिए। हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, 7 साल 7 इयर्स 7 साल की उम्र में कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया। कैसे उठाया? ऐसे एवरेस्ट? नहीं, चिट्ठी छोटी उंगली पे। छोटी उंगली पे कौन सी? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इसे पता चलता है कि भगवान जो है सबसे ज्यादा बलवान बलशाली है। मतलब गोवर्धन पर्वत इतने ऊंचे हैं कि यदि उनका परिक्रमा, कितने लोगों ने गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया है, हाथ खड़ा कीजिए। मैंने, भारती ने। अच्छा जय, थैंक यू थैंक यू। बहुत लोगों ने गोवर्धन का परिक्रमा किया है, जय। तो गोवर्धन के परिक्रमा में कितना टाइम लगता है? सुबह से स्टार्ट होती है तो रात तो हो ही जाती है शाम। हाँ, वो रुकते रुकते चलेंगे तो 2 दिन में भी हो सकती है, बट नॉर्मली अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलेंगे बिना ज्यादा रेस्ट किए हुए तो 6 घंटे एवरेज है, 6 घंटा एवरेज है। तो जब मैं वृंदावन में था तो एक मेरा मित्र आया था एक बार, ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे को इतना तेज ले गए कि हमने मैंने अपना जीवन का सबसे फास्टेस्ट गोवर्धन परिक्रमा किया उनकी कृपा से, 4 घंटे में। मतलब हमने राधा कुंड से शुरू किया और राधा कुंड पे ही एंड किया। बहुत फास्ट था वो गोवर्धन परिक्रमा, 4 घंटे में हो गए वो। तो आप सोचिए, नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं उनकी परिक्रमा करने के लिए, तो वो गोवर्धन कितने बड़े होंगे। और 5000 साल पहले हर साल में एक राई का दाना जितना गोवर्धन गिरिराज जमीन के अंदर जा रहे हैं। तो 5000 साल पहले और कई मीटर ऊंचे थे, तो 5000 साल पहले गोवर्धन कितने बड़े होंगे? तो भगवान ने 7 साल की उम्र में कितनी देर तक उठाया था गोवर्धन? 7 दिन तक। 7 दिन और 7 रात। दिन और रात, दिन और रात, है ना, 7 days and 7 nights कंटिन्यूअसली। और जो बाकी ब्रजवासी थे, उनके जो सीनियर गोप थे, उन्होंने भी डंडा ऐसे रखा था गोवर्धन के साथ। तो उनको लग रहा था कि हम कृष्णा का मदद कर रहे हैं। तो कृष्णा ने थोड़ा सा उंगली हटाया नीचे और वो सब डंडे जो है वो टूटने लग गए। फिर उनको पता चला कि नहीं, ये कृष्णा ही कर रहे हैं, हम इनकी मदद नहीं कर पाते। तो कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटिफुल, कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल। तीसरा क्वालिटी क्या है? कृष्णा इज मोस्ट अट्रैक्टिव, हो गया ना, ब्यूटीफुल, वैराग्यवान। वैराग्य लास्ट में करेंगे। अच्छा, त्याग त्याग त्याग, वैराग्य एक ही हो गया, शक्तिशाली। अच्छा, शक्तिशाली हो गया हमारा।
गोवर्धन पर्वत। यश 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 बोल सकते हैं। कृष्णा सबसे ज्यादा फेमस हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके घर से कुछ चोरी करेगा तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप उनकी शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो भगवान जो है वो रोज मक्खन दही दूध अपने पड़ोसियों के घर से चुराते थे, और आज इस बात को 5,000 साल हो गए और अभी भी हम माखन चोर के नाम से उनकी पूजा करते हैं। तो कितने फेमस हैं भगवान। और जिस भी घर में जाएंगे, अगर वो एथिस्ट भी होगा, उसके घर में एक फोटो, भगवान का फोटो लगा हुआ होगा, है कि नहीं? हर किसी घर में। तो ये भगवान सबसे ज्यादा फेमस हैं। और चौथा क्या हो गया? नॉलेज। भगवान ने भगवत गीता, जो कि हम भगवत गीता अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता का नॉलेज दिया। और भगवत गीता, जैसे हम भगवत गीता डिस्कशन कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया बोलने से पहले, लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को भगवत गीता बोली तो वो पिछले दिन शाम को ऐसे थोड़ी बैठे थे भगवत गीता लेके, अरे अर्जुन ने अगर ये पूछ लिया तो क्या बोलूं, अगर ये प्रश्न पूछ लिया तो क्या बोलूं। नहीं, कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। किसी के घर से हंसने की आवाज आ रही है, हालांकि हमने जोक कोई अभी मारा नहीं, तो आप म्यूट कर लीजिए। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? भगवत गीता नॉलेज। हाँ, नॉलेज। तो भगवान ने भगवत गीता स्पॉन्टेनियसली बोला। कितनी देर में बोली भगवत गीता? 47 या 45 मिनट्स में भगवान ने पूरी एंटायर भगवत गीता बोली। तो और भगवत गीता ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, हमारी सभी समस्याओं के समाधान हैं। तो कृष्णा बिकम्स मोस्ट नॉलेजेबल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट फेमस, पांचवा है मोस्ट वेल्दी। वेरी गुड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियां आपके आंगन के झाड़ू पोछा करने को तत्पर हैं। लक्ष्मी इज वेरी ईगर टू सर्व यू, मीनियल सर्विस करने को तत्पर है। आप ऐसे गोविंद है, गोविंदम आदि पुरुषम, यू आर द ओल्डेस्ट पर्सन, तम अहम भजामी, मैं आपकी पूजा करता हूं। तो लक्ष्मीपति जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो सुबह सुबह पहले धूप जला के आरती करते हैं लक्ष्मी जी को, है ना? तब तक अगर ग्राहक भी आएगा उसे बात नहीं करते, पहले लक्ष्मी जी की पूजा करते। तो लक्ष्मी पूरा संसार लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर रहे हैं लक्ष्मी के लिए, और लक्ष्मी जी विष्णु की या भगवान कृष्ण की सेवा को तत्पर है। तो कृष्ण हो गए ना लक्ष्मीपति, तो सबसे ज्यादा धनी हो गए। और ये पांच होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बलशाली, ज्ञानवान, सौंदर्य, यशस्वी और धनी, ये पांच होने के बाद भी भगवान सबसे ज्यादा वैरागी है। कैसे पता चला? यदि दो मित्र होंगे, सपोज आपका स्कूल का कोई फ्रेंड है, वो मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, है ना, बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, तो उसके बाद उनका और आपका वैसा संबंध नहीं होगा जैसा बचपन में है। लेकिन जब सुदामा द्वारकाधीश के पास गए भगवान के पास, तो भगवान ने उनको कितना सम्मान दिया वो हम सब जानते हैं, है कि नहीं? भगवान ने कैसे सुदामा जी को सम्मान दिया?
अपने अपने आंसू से उसके पैर धोए, गले लगाया, अपने आंसू से उनके उनके पैर धोए, उनको गले लगाया, और उन्होंने जो लाया था, जो छुपाया था, जो उनको शर्म आ रही थी, उसका भोग लगाया, उसका भोग लगाया और रुक्मिणी जी को भी खिलाया। और जब भगवान रणभूमि पे अर्जुन के सारथी बने, है ना, इतने बड़े द्वारकाधीश जो है, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो अपने मित्र के या अपने भक्त के ड्राइवर बन रहे हैं, कितनी छोटी पोजीशन ले रहे हो। और ऐसा कहा जाता है कि जब रथ को, उस टाइम तो वो गाड़ी नहीं है कि उसको राइट इंडिकेटर और लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, या स्टेयरिंग नहीं है अर्जुन के हाथ में, तो अर्जुन को जब राइट मुड़ना है तो राइट लात वो मारते हैं सारथी को, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट लात वो सारथी को मारते हैं। तो भगवान ने अर्जुन की लात भी खाई। तो ये उनका वैराग्य है, ये उनका डिटैचमेंट है। और भी अनगिनत उदाहरण है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने सीखा कि जो भगवद गीता हम सीखने जा रहे हैं, उनके ऑथर जो है भगवान, वो कौन है, उनका थोड़ा परिचय हमने समझा। तो यहां हम विराम देंगे, हम थोड़ा समय से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि 8 से 9 तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी यदि किसी का प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने 3 तत्व के विषय में बताया, जीव तत्व, विष्णु तत्व एंड शिव तत्व, तो इनमें जो जीव तत्व है, जब वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, तो वो तब भी जीव तत्व ही रहते हैं या उनका मतलब चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, वो तब भी जीव तत्व रहता है। ओके। जीवा इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू कृष्णा और विष्णु। विष्णु तत्व के हमेशा सबॉर्डिनेट हम रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ में भी या गोलोक वृंदावन में भी कृष्णा ही सुप्रीम एंजॉयर है जी, और हम सब सेवक हैं। तो हालांकि वैकुंठ में जाने से क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, इससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं, इन क्लेश जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन क्लेशों से भी निकल जाते हैं, और हम लोग भी सच्चिदानंद होते हैं, और हमारा रूप भी भगवान के जैसा सच्चिदानंद होता है, बट वी कैन नेवर बिकम इक्वल टू कृष्णा। जी जी प्रभु। कृष्णा इज इनफाइनाइट एंड वी आर फाइनाइट, चाहे हम माया के अंडर इस भौतिक संसार में रहें या चाहे हम आध्यात्मिक जगत में। ओके, लाइक दैट्स मीन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम अभी यहाँ पे हैं तो हम बद्ध अवस्था में हैं, तो बद्ध जीव माने जाएंगे। जी जी जी। वहाँ पहुंचते हैं तो हम मुक्त जीव हो जाते हैं, रहते जी, जीव ही मुक्त। हाँ, जीव इज जीव, बद्ध जीव और मुक्त जीव। वेरी ट्रू। थैंक यू। हरे कृष्ण। आनंद तीर्थ प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हम डिस्कस किए थे कि भगवद गीता 45 मिनट में उपदेश किया था अर्जुन को जी, तो वो टाइम को हम अभी कलयुग का जो पूरे टाइम और द्वापर युग का टाइम को कंपेयर किया, तो हमारे कलयुग का हिसाब से कितना हो सकता है प्रभु जी? इट इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। जनरली मैंने 40 मिनट सुना है, अभी किसी माता जी ने 47 बताया, तो अभी इसका वर्णन कहाँ पे है, द्वापर युग जी, ये मेरे को देखना पड़ेगा कि जो टाइम का रिलेटिविटी है, या अगर और कोई यहाँ पे आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, दे आर फ्री टू स्पीक। प्रभु जी, सब जगह सुना है और बहुत सारे प्रीचिंग मैं भी सुना है कि 45 मिनट्स ही है, मगर ये नहीं पता है कि कहां से है। नहीं, इनका प्रभु जी का प्रश्न ये, अभी 45 है या 40 मिनट्स है वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि द्वापर युग का 40 मिनट्स और कलयुग का 40 मिनट्स
कैसे रिलेट होता है, तो मैं प्रभु जी को कह रहा हूँ कि मैं, मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम है, तो मैं कुछ भक्तों से बात करूंगा और आपको कल के सेशन में मैं बताऊंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? क्या उसे या कोई कमेंट? प्रभु जी आज क्लियर है सारा, तो क्वेश्चन का नहीं है। अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, कुछ करेक्शन है, फीडबैक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, वी आर वेरी क्लियर, आपने एक ठीक बता दिया हमें। माता जी कौन बोल रहे हैं? तैलंबल होगा, आपके नाम पर आएगा। आई कांट सी यू, वन मिनट। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। यू सीम टू बी साउथ इंडियन बाय योर एक्सेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, yeah, I am South Indian. Hare Krishna, Dandavat Mataji. You are from which place, Mataji? I am from Kerala. You are from Kerala. Are you connected to Drishtadyumna Prabhu's group? No. Achha, no. So how could you connect to our group, Mataji? No, I have received a message from Prabhu, Subir Prabhu. Okay. Subir Prabhu. Srinivas Prasad Prabhu. Yeah. He was telling me that he is going to send the link to some devotees. Yeah. We are having one group, no? That is Shravana Utsav Karke, one group is there. Okay, so, yeah. I know that. He is in my group also. Very, very amazing devotee. Thank you, Mataji. Very thank grateful you, to you for attending. Please keep blessing us. Which is the same to you also. Hare Krishna. Dandavat. Hare Krishna, Hare Krishna. तो अभी और किसी का क्वेश्चन या कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू प्रभु जी फॉर कंडक्टिंग सच वंडरफुल सेशन। माता जी कौन बोल रहे? आई एम आल्सो कनेक्टेड, आई एम सीमा पाठक एंड कनेक्टेड विद सुबीर प्रभु ओनली। यस माता जी, फ्रॉम दैट ग्रुप इटसेल्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन विद अस। वाज इट मीनिंगफुल सिटिंग 1 hour इन दिस सेशन? Absolutely yes, Prabhuji, absolutely yes. Thank you very much for encouraging and blessing me. Please pray that we can continue it nicely. Yes, Prabhuji, yes. Hare Krishna, Dhanvat Prabhuji. Hare Krishna, Mataji, Dhanvat. तो ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि कल शाम को ठीक 8 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे और इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे राम, श्रीमद् भगवद् गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, की जय, गीताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।